नमस्कार दोस्तों, सर चिकित्सा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म का साल का पहला सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति को माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिषी के अनुसार माना जाए तो सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जब प्रवेश करता है तो इस घटना को ही मकर संक्रांति कहते हैं। ज्योतिषी के अनुसार सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो लोग इसे मकर संक्रांति कहते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति भारत में 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन देश के अलग अलग प्रांतों में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष में। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि आज के दिन देवी देवताओं का दिन शुरू होता है, यानी मकर संक्रांति के दिन से देवी देवताओं का दिन शुरू होता है। इस दिन, इस समय से स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। इस दिन अगर इस दिन हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, इस दिन मृत्यु पाने वाले को मुक्ति मिल जाती है, यानी स्वर्ग मिलता है। ऐसे में दोस्तों, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। दोस्तों, माना जाता है कि आज के दिन दान पुण्य करने से मुक्ति मिलती है, यानी पाप से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप किसी जरूरतमंद को दान पुण्य करते हैं आज के दिन में, या किसी गरीब ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं, तो ऐसे में आपको पापों से मुक्ति मिलती है। ये दोस्तों मैं नहीं, ये हमारे धर्म की मान्यता है। तो मकर संक्रांति के दिन अगर आप भी किसी जरूरतमंद को अगर दान पुण्य करते हैं तो हो सकता है आपका भी कुछ भला हो। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारी देते हैं।